पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो डेली है उसके बारे में मिथ है, मतलब कि मोस्टली लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि हम एग्स और डेली यूज कर सकते हैं पीसीओएस में या नहीं। तो डेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करती है अगर आप पोर्शन से बाहर खाते हैं, तो डेरी को आपको बिल्कुल पोर्शन के अंदर रखना चाहिए। प्लस एग्स के बारे में भी है, तो एग्स बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते, वो एक मीट पोर्शन में आएंगे, आप उसको प्रोटीन, एक हेल्दी प्रोटीन के तौर पे दे सकते हैं। तो उसके बाद फ्रूट पोर्शन आते हैं। फ्रूट्स में आप वो फ्रूट्स यूज करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो मीठे कम है, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करेंगे। इसके बाद वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स मोस्टली जो स्टार्ची वेजिटेबल्स के अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो मोस्टली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही होते हैं, तो आप वेजिटेबल पोर्शन जो है वो उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स इनको कहा जाता है, वो एक दो ही हैं, गाजर वगैरह वो इतनी वैसे भी यूज नहीं होती। इसके बाद आती है मीट और प्रोटीन पोर्शन। मीट प्रोटीन पोर्शन में लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि चिकन के बारे में आप बताएं, क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमाग में ये बात है कि चिकन की वजह से फीमेल्स के हार्मोन खराब होते हैं। तो अगर आप चिकन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो अगर वो हार्मोन्स नहीं भी खराब कर रहा, तो हर चीज की एक्सेस जो है वो खराब है। लेकिन अगर आप पोर्शन के अंदर रह के चिकन यूज कर रहे हैं, तो चिकन एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है और एक सस्ता प्रोटीन सोर्स है बाकी प्रोटीन सोर्सेज के निस्बत, तो आप उसको यूज कर सकते हैं विद इन पोर्शन। तो क्योंकि मीट और प्रोटीन्स, ये इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ऑब्वियसली ये प्रोटीन सोर्स हैं, तो इनमें ग्लूकोज नहीं है, तो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसने सारा काम खराब किया हुआ है पीसीओएस वाले बंदे के अंदर, तो आप वो इन जो लोग प्रोटीन जो है वो डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो जल्दी इनकी सिम्टम्स पे कंट्रोल कर लेते हैं दूसरों की निस्बत। इसके बाद है फैट पोर्शन। अब फैट में आप अनसैचुरेटेड फैट्स ने या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी एक सोर्स है पीसीओएस वाले बंदे के लिए, इन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी एक क्रॉनिक स्ट्रेस में है। तो उनकी जिनकी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में होती है या कोई क्रॉनिक डिजीज जिनको होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हेल्दी फैट्स का सोर्स है। तो आप जो नट्स हैं, विटामिन ई रिच या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच सीड्स या नट्स, वो अपनी डाइट में शामिल करें, और वो जो है वो उसके अपने हेल्दी जो अनहेल्दी फैट्स हैं उनको हेल्दी फैट्स के साथ रिप्लेस करके अपना खाना हेल्दी फैट में बनाएं, अपना जो आप क्रेविंग्स हैं उनको सेटिस्फाई करें नट्स से, सीड से, बजाय जो है वो एक होममेड उसे जो है वो बेकरी आइटम से, तो आपकी ये सिम्टम्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सरसाइज। पीसीओएस वाले बंदे बगैर एक्सरसाइज के मेटाबॉलिक रेट जो है वो इन्हेंस नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए 30-40 मिनट्स का कार्डियो लाजमी होना चाहिए। जो लोग बिल्कुल स्टार्ट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो 10-15 मिनट के कार्डियो से स्टार्ट करें, ताकि उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो। एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो ही उनकी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जल्दी कम होगी, क्योंकि डाइटरी ट्रिगर्स तो आपने निकाल दिए, लेकिन जब तक आपका जो पुराना स्टोर्ड फैट है वो नहीं निकलेगा, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप पीसीओएस के सिम्टम्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक तो एक्सरसाइज होगी, इसके अलावा पीसीओएस वाला बंदा 2-3-4 माह की डाइट करके जो है वो अपने आप को सेव नहीं कर सकता, जब तक कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करता। वो अगर ये दिमाग में बिठाएगा कि मैं 2-3 दिन डाइट करूंगा और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, या 2-4 महीने 1 साल, तो ऐसे नहीं है। वो जब दोबारा अपनी डाइट में वो ट्रिगर्स ऐड करेगा, उसको दोबारा से सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जिन फीमेल्स की कंसेप्शन या फर्टिलिटी के चांसेस कम हुए होते हैं, जिनको गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं कि आप वेट लॉस करें, तो अगर वो जो है वो उनकी कंसेप्शन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, वेट लॉस वेट गेन दोबारा हो जाता है, तो उनको फिर से वेट गेन लूज करना पड़ता है नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए पीसीओएस वाले बंदे के लिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनकी एक हेल्दी बैलेंस डाइट हो और साथ में जो है वो एक्सरसाइज हो। इसके अलावा अगर किसी को टी की बहुत क्रेविंग है, जो कि पाकिस्तान में एक जो है वो बहुत कॉमन है कि हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हर्बल टीज से या ब्लैक कॉफी के साथ रिप्लेस करें। हर्बल टीज जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट में रिच होती हैं, ब्लैक कॉफी एंटी ऑक्सीडेंट में रिच होती है। जिनको टेस्ट का इशू है वो हर्बल टीज ले सकती हैं, मार्केट में बहुत सारी हर्बल टीज ऐसी हैं जो बिल्कुल हर्बल है और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी अच्छा करती हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस को भी सही करती हैं। प्लस जो ब्लैक कॉफी है, जो लोग ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, वो भी एक अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट का सोर्स है, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है और कैफीन भी उसमें है, तो आपको मिल्क टी उससे रिप्लेस करने में हेल्प करेगी। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको अवेयरनेस मिली होगी इससे। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।